अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बहन ने सवाल किया कि हजरत, औरत का ज़बीहा हलाल है या हराम है? औरत मुर्गी या बकरा वगैरह ज़बा करे, तो औरत अगर ज़बा करती है तो क्या वो जानवर हराम होगा कि हलाल होगा? बहुत ही बेहतरीन मसला है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर जरूर सुने। आजकल हमारे समाज के अंदर है कि औरतें अगर ज़िबा करती है तो शायद लोग समझते हैं कि ये जानवर जो है वो नाजायज़ है, ये हराम है, ये हलाल जो है वो जानवर नहीं होगा। देखिए, कुरान अजीम ने जो ज़िबा करने का हुक्म दिया है वो उसमें मर्दों की तख़सीस नहीं की है कि सिर्फ मर्द ही जो है वो ज़िबा कर सकते हैं, बल्कि हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग इंसान जो है वो जानवर को ज़िबा कर सकता है। इसमें मर्दों की तख़सीस नहीं है कि सिर्फ मर्दों का ज़बीहा ही जो है वो हलाल है बल्कि औरतों का ज़बीहा हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत अगर ताकत रखती है ज़िबा करने की और उसे पता है कि बकरे की जो 3 नसें हैं वो काटना उसे मालूम है उन नसों के बारे में, तो फिर औरत भी जो है वो ज़िबा कर सकती है और औरत का ज़बीहा जो है वो बिल इत्तिफाक जो है वो हलाल है, औरत का ज़बीहा जो है वो हराम नहीं होगा, वो हलाल ही, बशर्त यह है कि औरत ज़बा करने की ताकत रखती हो, उन रगों के बारे में जानती हो जिन रगों का कटना जो है वो जरूरी है, तो औरत भी जानवर को ज़बा कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।